ये तो दिल्ली में 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झांकी लगातार दूसरे साल शामिल होगी। झांकी में मुख्य आकर्षण का केंद्र भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप है। झांकी में और क्या विशेषताएं हैं, हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने इसका जायजा लिया। गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक मौका और इस बार गणतंत्र दिवस के दिन कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी में क्या कुछ खास देखने को मिलता नजर आएगा, आइए आपको दिखाते हैं। हरियाणा की झांकी में इस बार जो थीम है वो गीता जयंती देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर इस बार फिर से कर्तव्य पथ पर हरियाणा का गौरव देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हरियाणा की झांकी कर्तव्य पथ पर सुशोभित जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। आपको बताएं कि आज आधिकारिक रूप से हरियाणा की झांकी का अवलोकन जो है कराया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की थीम पर यह झांकी तैयार की गई है। इस झांकी के शुरुआत की हम बात करते हैं, शुरुआत की अगर झांकी की बात करें तो इसमें एक विराट प्रतिमा जो है भगवान श्री कृष्ण की देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि इस झांकी का मुख्य आकर्षण देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये पहली बार ऐतिहासिक मौका है जब लगातार दूसरी बार जो है हरियाणा की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। पिछली बार की बात करते हैं तो हरियाणा की झांकी की जो थीम थी वो खेल की थीम देखने को मिलती हुई नजर आती थी। खेलों में नंबर वन हरियाणा कहा जाता है और उसी थीम को कहीं ना कहीं इस झांकी में दिखाने की जो कोशिश है वो की गई थी। अभी हम बात करते हैं तो ये जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हुई जो है यहाँ पर नजर आ रही हैं। एक जो पूरा रथ है वो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और नीचे भी हम दिखाने की कोशिश करें तो तमाम जो कलाकृति है वो सीधे तौर पर यहाँ पर जो है देखने को मिलती नजर आ रही है। गीता महोत्सव को लेकर हरियाणा सरकार पहले से ही जो है काफी एक्टिव नजर आती है। अंतर्राष्ट्रीय जो है गीता महोत्सव जो है हो चुका है तो इस बार अगर हम बात करते हैं तो जो विशेष थीम देखने को मिलती है नजर आ रही है ये पूरा रथ है, जहाँ पर देखने को मिलता नजर आ रहा है कि किस तरीके से अर्जुन है, अर्जुन के आगे सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, जो कि एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सत्य की राह पर अगर चलते हुए नजर आएंगे तो जीत कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। और अगर हम कलाकारों की भी बात करते हैं तो कलाकार यहाँ पर जो है सीधे तौर पर देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि हरियाणा की झांकी को जो है सुशोभित जो है करते हुए जो है नजर आएंगे। अगर हम इस पूरी बात की बात पूरी झांकी की थीम की बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र जो कि ऐतिहासिक धरती कही जाती है, जहाँ पर पवित्र नदी सरस्वती के तट पर वेदों और पुराणों की रचना होती हुई जो है नजर आई थी, तो ये सीधे तौर पर जो थीम है वो इस बार जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने दिखाया कि किस तरीके से जो हरियाणा की झांकी है वो इस वक्त जो है पूरी तरीके से जो है तैयार है कर्तव्य पथ पर चलने के लिए। तो आइए आप किसी और जगह किसी और राज्य की झांकी पर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ खास उस राज्य में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो एक बार फिर कर्तव्य पथ पर हरियाणा का गौरव दिखेगा। हरियाणा के इतिहास में पहली बार लगातार दूसरे साल गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झांकी शामिल हो रही है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की थीम पर झांकी तैयार की गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित कुमार अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। हरियाणा प्रदेश की झांकी इस बार भी गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने को मिलती हुई नजर आएगी। हमारे साथ सूचना जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक अमित अग्रवाल जी। सर, गीता जो महोत्सव है उसी की थीम देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ खास जो है इस बार देखने को मिली? इस बार जो भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश दिया था गीता जी का, जब महाभारत ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के आसपास का जो एरिया है, जो धरती है, वहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और वहां पर जो एक अमर संदेश एक सारथी के रूप में अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसकी प्रस्तुति हमने झांकी के माध्यम से करी है। और जब अर्जुन को एक संशय हुआ था कर्तव्य पथ पर चलने का, जब उसको लगा कि उसके सारे रिश्तेदार नातेदार सामने खड़े हैं, वो कैसे उनके खिलाफ अपना धनुष को उठाए, कैसे हथियार उठाए, जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाकर सारे उसके संशय अर्जुन के दूर कर दिए थे, तो उसकी प्रस्तुति हमने करी है। और एक जो अमर संदेश गीता जी का दिया था, मेरा मानना एक मानव मात्र के कल्याण के लिए एक संदेश था, तो वो संदेश पूरे विश्व में इस झांकी के माध्यम से ये जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, ऐतिहासिक मौका भी है, कहीं ना कहीं लगातार दूसरी बार जो है हरियाणा को जो है कर्तव्य पथ पर जो है चलने का मौका मिलता हुआ नजर आएगा झांकी के माध्यम से। हाँ, बड़े सौभाग्य का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे विभाग ने मेहनत करी है
और लगातार दूसरी बार, इससे पहले 2017 में भी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमारी झांकी आई थी, पिछले वर्ष 2022 में जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हरियाणा की आन बान शान है, उनकी लाइव झांकी थी और पूरे देश ने जो है हमारे जो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया था और हमारे खिलाड़ियों ने छोटे हमारे बच्चों का और पूरे देश का इंटर्न जो है प्रेरणा दी थी। और इस बार जो हमारी एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है उसकी झांकी का प्रस्तुतिकरण कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को किया जाएगा। सर, तो ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक अमित अग्रवाल थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरीके से जो इस बार हरियाणा की झांकी है वहां पर जो ये तमाम कलाकार हैं वो अपनी जो प्रस्तुति है वो देते हुए नजर आएंगे। और एक थीम जो है वो कहीं ना कहीं गीता महोत्सव की यहाँ पर सीधे तौर पर झांकी के माध्यम से देखने को मिलती हुई नजर आएगी कि ऐतिहासिक किस तरीके से जो गीता महोत्सव है जो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है वो इस बार कर्तव्य पथ पर जो है अपनी झांकी के माध्यम से हरियाणा दिखाता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।